मथुरा पुलिस ने सुरक्षा दृष्टि के मद्देनजर शहर में किया फ्लैग मार्च। बीते दिनों मथुरा शहर के घनी आबादी क्षेत्र में हुई जघन्य वारदात के दृष्टिगत पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना हो गया है और भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार की शाम शहर की सीओ सिटी आलोक दुबे के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ शहर के पुराने क्षेत्र में पैदल मार्च किया गया। होली गेट से शुरू हुआ ये पैदल मार्च छत्ता बाजार, स्वामी घाट चौक बाजार, भरतपुर गेट, कोतवाली रोड होते हुए होली गेट पर पहुंचकर संपन्न हुआ। इस दौरान सीओ सिटी आलोक दुबे के साथ भारी संख्या में पुलिस एवं पीएसी के जवान मौजूद रहे। सुरक्षा के दृष्टिगत और क्षेत्र की व्यवस्थाओं के लिए जाने के चलते निकाले गए इस फ्लैग मार्च के संबंध में आलोक दुबे ने जानकारी देते हुए बताया। वहीं इस दौरान आलोक दुबे बीते सोमवार को हुए घटनाक्रम में मृतकों के घर भी पहुंची, जहां उन्होंने उनके परिजनों से बात कर अभी तक की गई कार्यवाही से अवगत कराया। मैडम बताया आज कहां का फ्लैग मार्च रहा? फ्लैग मार्च रहा ये आज हमने कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत होली गेट चौक बाजार या मंडी मंडी रावलदास भरतपुर गेट लालागंज इन सभी क्षेत्रों का जो है पैदल मार्च किया है। इसके अतिरिक्त जो है आज हमने जो है अपने वाहनों से फोर व्हीलर वाहनों से टू व्हीलर वाहनों में से जो है काफ़ी लंबा क्षेत्र कवर किया है यहाँ का, जिसमें कि आपका होली गेट है, चौक बाजार है, इसके अलावा मसानी का क्षेत्र है, गोकर्णनाथ तिराहा, ईट गेट और भरतपुर गेट से लेकर होली गेट तक का मार्च कवर किया गया है। मैडम आज यही क्या चतुर्वेदी समाज का भी टेंडर मार्च लगा, उसको लेकर क्या सुरक्षा व्यवस्था दी गई? ये